जिमनी इलेक्शन कौन जीतेगा, नून लीग या पीटीआई? तो इस बार इलेक्शन कौन जीत रहा है जिमनी इलेक्शन, पीटीआई या नून लीग? किसे सपोर्ट करते हैं आप? पीटीआई को। इमरान खान। साफ सुथरा निज़ाम, ईमानदारी वाला निज़ाम, जिस जो रब को भी मंजूर हो, अवाम को भी मंजूर हो, चोरों वाला निज़ाम नहीं। और जो गद्दार लोग हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते, क्योंकि हम सब का है, सब हमारा है, हम रब का है, रब हमारा है। जो गैरों को गुलामी करता है, वो हम उसके साथ नहीं है। इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा? इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा भाई। क्यों जीतेगा? ने क्या तबाही मचाई है नून लीग? ये महंगाई थोड़ी कर दी है इन्होंने, पेट्रोल देखें, ये सारी चीजें देख लें, इन्होंने मार दिया गरीब अवाम को, बिल्कुल ही बेड़ा गर कर दिया है। सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, हम किसी के गुलाम नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मेरी 350 वोट है सारी इमरान खान को डालेंगे इंशाल्लाह ताला। ये पीटीआई का गढ़ बन चुका है ये इस्लामाबाद, के इमरान खान के पीछे मरने वाले हैं हम, इंशाल्लाह ताला मर जाएंगे इमरान खान के खातिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मतलब आज हम जानेंगे लोगों से कि ज़िमनी इलेक्शन जो है कौन जीतेगा, पीटीआई जीतेगी या नून लीग जीतेगी। आइए हम इन लोगों से जानते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन कौन जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई ज़िमनी इलेक्शन इस बार कौन जीतेगा, पीटीआई या नून लीग? इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। इंशाल्लाह पीटीआई क्यों जीतेगी? हम इमरान खान के साथ हैं इंशाल्लाह, ईमान के साथ, यकीन के साथ और इमरान खान के साथ इंशाल्लाह। इमरान खान में कोई खास बात जो आपको अच्छी लगती है? बहुत खास बात है, वो किसी के आगे झुकता नहीं है, ना किसी के आगे खुद झुकता है, ना कौम को झुकने देता है, भिखारी नहीं है वो। आपको कैसा लीडर चाहिए? हमें इमरान खान जैसा लीडर चाहिए जो किसी के आगे झुके नहीं। इस बार भाई कौन इलेक्शन जीतेगा? इमरान खान। क्यों? इंशाल्लाह। क्यों जीतेगा? हाँ वो ईमानदार आदमी है, सच्चा इंसान है। इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा ज़िमनी? इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी। इस बार ज़िमनी इलेक्शन कौन जीतेगा? इस बार जी इमरान खान जीतेगा। इस बार ज़िमनी इलेक्शन कौन जीतेगा? पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी गुजरे है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। तो इस बार इलेक्शन कौन जीत रहा है ज़िमनी इलेक्शन, पीटीआई या नून लीग? पीटीआई। क्यों? बस ये जो अवाम बता रहा है ना, पीटीआई का सपोर्ट ज्यादा है, बकाया रब जानता है कि क्या फैसला होगा। आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल वो कहता है जो हक पे चलता है, अल्लाह ताला उसको निज़ाम दे। कैसा निज़ाम आपको चाहिए? मुझे साफ सुथरा निज़ाम, ईमानदारी वाला निज़ाम, जिस जो रब को भी मंजूर हो, अवाम को भी मंजूर हो, चोरों वाला निज़ाम नहीं। आपके मुताबिक साफ शफाफ कैसा मुल्क चाहिए आपको, आप अपनी राय दें? हमारा राय यही है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को, ईमानदार लोग इस मुल्क को दे और वो ईमानदारी से काम करे और इस मुल्क को आगे चलाए, मुल्क आबाद हो जाए। ज़िमनी इलेक्शन कौन जीतेगा? इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह, हमारा उम्मीद है। बात आपने की, बस हम ये चाहते हैं कि ये हमारे ये मुल्क जो है ना कलमे के नाम पे आज़ाद हो गया और अल्लाह कर जिस नाम यानी इस्लाम के नाम पे आज़ाद हो गया, इस तरह इस्लामी निज़ाम हमारा मुल्क में कायम हो जाए। और जो गद्दार लोग हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते, क्योंकि हम सब का है, सब हमारा है, हम रब का है, रब हमारा है, हमारा किसी कोई मुखालिफत नहीं है। हम वो चाहते हैं जो अल्लाह को महबूब हो और जो अल्लाह के दिन के लिए खिदमत करे और इस तरह जो है ना गरीबों का ख्याल करे और मजदूरों का ख्याल करे और इस तरह जो है ना हम अपना मुल्क का यानी हक दूसरे मुल्क में ना ले जाए, बल्कि अपना मुल्क को भी कभी खिदमत करे, वो अपना आवाम का भी खिदमत करे, अपना दिन का भी खिदमत करे और गैरों का ग़ुलामी वो ना करे। जो गैरों का ग़ुलामी करता है वो हम उसके साथ नहीं है, जो अल्लाह के ग़ुलाम है, अल्लाह के रसूल का ग़ुलाम है, हम उसके साथ हैं।